बहुत सुंदर है, मतलब सामने ही एकदम यहाँ पे भी एक छोटी सी कैट है। एक यहाँ भी दिख रहा है सामने, ये देखते हैं उस तरफ कुछ मिल पाता है नहीं मिल पाता। यार यहाँ का व्यू बड़ा, ये आप देख पा रहे होंगे। खाने की तलाश में हम यहाँ तक आ तो गए, ये कम से कम अभी तक की हमारी पांचवी छठी शॉप है जो हमने पूछ ली है। और एक आध जगह जहाँ मिला भी वहाँ पे मैगी, और बाकी जगह कुछ भी नहीं। पता नहीं, अपने साइड तो सब मिल जाता है, चाहे ऑफ सीजन हो ऑन सीजन हो। खाने का तो ऐसा नहीं होता कि खाने का ना, बट एनीवेज हम जा रहे हैं, बस हो गया हमारा यहाँ का। गुप सन्नाटा है दूर दूर तक, एक भी लाइट कुछ भी नहीं है। लाचुंग के रास्ते में हम यहाँ पे रुके हैं, और ये बहुत ही ह्यूज वाटरफॉल है। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, बट इतनी दूर से भी फ्लैशेस आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं मेरे ग्लासेस पे पूरा पानी। तो वैसे ही ठंड बहुत है, विंडी बहुत है, तो पानी पूरा यहाँ तक आ रहा है, बट इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, तो मज़ा तो आ रहा है। तो यार ये लाचुन के रास्ते में पड़ा है, और बेसिकली आई थिंक ये अभी तक का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, और हाइट वाइज भी और प्रेशर वाइज भी। सो गाइज, फाइनली सारी मुश्किलों को पार करते हुए और पहुंच गए हैं अपने लास्ट स्टॉप पे, लास्ट होटल पे बेसिकली, और लाचुन में। अरे यार यहाँ का व्यू उस पहले वाले होटल से तो काफ़ी अमेजिंग है। ये पूरा वैली है, इसमें सराउंडेड है, यहाँ पे भी एक छोटी सी कैट है। What is happening? Entry. दोस्तों ये है हमारा रूम, इसमें ऐसा लग रहा है आज ही पेंट हुआ है, और नीचे में पेंटर भी दिखा था वैसे, तो उसकी पूरी कड़क वाली एकदम स्मेल है। ये है यार, यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा है। चलो एट लास्ट एक तो ऐसा होटल मिला जहाँ से व्यू अच्छा है। बहुत सुंदर इनका ग्रीन हाउस है जहाँ पे ये लोग अपनी सब्जी। और यार भूख भी लग रही है मुझे फिर से। ये बाथरूम और दिखाना रह गया था, ऐसा बाथरूम मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी सा है। आप पहाड़ों में आपको जो एकदम अनकॉमर्शियल और ऐसी जगह होती है वहाँ पे आपको इस तरीके का ही मिलता है। गीजर है, पिछली बार तो चला ही नहीं था, पता नहीं बस चल जाए। रिसेप्शन एरिया था, ये इस तरीके से बना हुआ है। बाहर जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सुंदर है। मतलब ये देखो आप, क्या मस्त नज़ारा है। देखते हैं कुछ मिल पाए यहाँ अच्छा सा कुछ। यार अच्छा खाने का मेरा भी मन कर रहा है। अलग से रेस्टोरेंट वगैरह तो नहीं होंगे जैसा मुझे फील आ रही है, छोटा ही गांव है, तो फिर भी कैसे करें। इधर तो नहीं था, यहाँ से आए थे हम। ये सामने भी कुछ है यार, मारो मारो गूगल पे सर्च मारो। इधर कुछ काम चल रहा है नए होटल्स वगैरह का। एक यहाँ भी दिख रहा है सामने, ये सोनम व्यू पॉइंट। एक तो प्रॉब्लम चावल वावल के साथ ये है ना कि बहुत ज़्यादा मेरे से तो खाए भी नहीं जाते, क्योंकि हैबिट में नहीं है यूपी में, हमारी साइड तो स्पेशली वेस्ट में चावल वावल इतने तो खाते नहीं हैं। रोटी ज़्यादा खाते हैं, राइस बहुत कम खाते हैं साइड में वो, लेकिन मेन तो रोटी ही होती है, इससे पेट भरता है। और यहाँ थोड़े मतलब इतने खाए भी नहीं जाते और डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। इधर तो क्लोज था, और यार वही छोटा सा ही है, तो सारे ऑप्शन तो मिलेंगे नहीं। एक बार जो अपने से आगे वाला है उसमें पूछ लेते हैं, है ना। वहाँ भी ख़त्म ही था मामला, और थोड़ा ऊपर यहाँ भी कुछ है। पूछो कुछ खाने वाने का भी है क्या, कुछ है ऊपर आगे। ऊपर है कोई रेस्टोरेंट या क्या? तो अपने भी चलते हैं, चलो अपने भी चलते हैं। बच्चे व्यू कितना अमेजिंग है, बहुत अलग फील है, बहुत अलग फील है। ऑन द फेस है ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल ऑन द फेस है। अभी पहले तो मैगी खाते हैं, फिर देखते हैं बाद में कुछ और खाना हो तो। फिलहाल तो मैगी ऑर्डर कर दिया, बस सर घूम रहे हैं, जल्दी से कुछ बस खाने को मिल जाए। मैगी तो खा ली हमने, और अब कुछ और ढूंढने जा रहे हैं नीचे। डिनर होगा वो होगा काफ़ी लेट, अभी सिर्फ 5:30 ही बजे हैं, तो उस हिसाब से खाने के लिए पेट भरना है प्रॉपर। एक ही मॉनेस्ट्री भी है इधर छोटी सी,
बट काफ़ी अच्छी है। तो फिलहाल आगे इस साइड हम जा रहे हैं और देखते हैं उस तरफ कुछ मिल पाता है नहीं मिल पाता। यार यहाँ का व्यू बड़ा, ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अमेजिंग हो रखा है। और ये देखो रिवर का फ्लो। हम लाचुंग के बेसिकली ब्रिज वो है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इस साइड ब्रिज के अपोजिट आ चुके हैं, उस साइड हम खुद रह रहे हैं। ये देखो ये तो अच्छा होगा, बट इसका रास्ता उधर से होगा ना। और एक उधर भी है, वो तो कुछ वो तो देसी टाइप लग रहा है। Wait a minute. है ना, ये टाउन बहुत छोटा सा क्यूट सा है ना। नहीं ओके रेस्टोरेंट का इधर भी है एक एरो। हाँ पूछ लो। रेस्टोरेंट ये वाला है, ये खुल रहा है। My disappointment is immeasurable. खाने की तलाश में हम यहाँ तक आ तो गए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। कितना सुंदर है देखो। बेसिकली उस पर पूछने जा रही है, यहाँ पे एक शॉप सी दिख रही है। अब मैं थोड़ा ये जो आगे है पता नहीं क्या है, लेट्स सी। वो भी यही बोल रहे हैं आगे जाके मिलेगा, तो ये भी बंदी था और आगे जाने को बोला है, तो हम भी हार मान नहीं रहे हैं। पता नहीं कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। एक पकौड़े का ऑप्शन और थे से तो वही खा लेते हैं। Stop it. Get some help. अगर एक आध कोई गलती से ओपन नहीं मिल जा रहा था, और उसमें मैगी और एक के अलावा है ही नहीं। मैगी हमने ऑलरेडी खा लिया, पकड़े में भी खा गए। थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, लेट्स होप। ये कम से कम अभी तक की हमारी पांचवी छठी शॉप है जो हमने पूछ ली है, और एक आध जगह जहाँ मिला भी वहाँ पे मैगी, और बाकी जगह कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो आंटी ने साफ मना कर दिया कि कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑफ सीजन है। ये बड़ी अजीब सी बात है, वैसे भी खाली बैठे हैं तो थोड़ा बना के रख लें यार। पता नहीं अपने साइड तो सब मिल जाता है, चाहे ऑफ सीजन हो ऑन सीजन हो। खाने का तो ऐसा नहीं होता कि खाने का ना मिले, बट एनीवेज बर्फ तो अभी भी है हल्की हल्की। चलते हैं वापस, इतना लम्बा चक्कर मार दिया तो फाइनली ये मिला है हमें खाने के लिए। मतलब यहाँ बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है, वहाँ सुबह जहाँ खा रहे थे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वहाँ चिप्स इलीगल हैं, बैन है, इतना नाटक ड्रामा, तो कुछ समझ में ही नहीं आता। यहाँ तो खुले हम कुछ भी बोलते हैं, दुकान पे लटका रखे हैं, कुछ भी बोलते तो इनकी हैं। बातों का भरोसा नहीं हो पाता, पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, क्या सही है क्या गलत है, वही समझ में नहीं आ पाता। तो खैर हमें क्या करना है, जो मिला है वो खाते हैं। 2000 years later. पकौड़े भी आ गए और पूरे पूरे एक घंटे बाद, बट कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। बहुत टेस्टी है यार, चटनी बहुत टेस्टी है। हम जा रहे हैं, बस हो गया हमारा यहाँ का, जा रहे हैं बस। जाते देखो बैग वैग लेके जाते हैं, अभी वो आ रहे हैं ड्रॉप करने के लिए। अरे यहीं जा रहे हैं साइड में। एक्चुअली वो केमिकल से ना बहुत ज्यादा वही तो नीचे वाला भी वो था, और हमारी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं, तो अजीब लग रहा था बहुत। सर में दर्द हो जाएगा, सर में दर्द हो ही रहा है। दिखाते हाँ तो कर लो, खाली है सारे, खाली है। तो अभी जैसे आपने कन्वर्सेशन में सुन ही लिया होगा रीज़न क्या है हमारा शिफ्ट करने का, तो यही रीज़न है यार। बट यहाँ बस एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे गैलरी में वैसे लाइट नहीं है, रात रात में निकालना है, केमिकल की स्मेल नहीं है।
शायद मैं थोड़ा बड़ा सा भी लग रहा। ये यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, अभी रूम तो उससे काफी बेटर है। बस कुछ नहीं, बस बाहर जो बालकनी है जैसे मैंने आपको दिखाया था उसकी लाइट नहीं जल रही है, बाकी तो ठीक है। गीजर वीजर भी ऑन हो रहा है यहाँ पे और अपना काम हो जाएगा आराम से, शांति से सो पाएंगे। तो यार रात के बज गए 9:10 और अभी हम लाचुंग में, जैसे कि आपको पता ही है, और यहाँ फिलहाल लाइट गुल हो चुकी है। होटल की तरफ से हमें मिली एक कैंडल और एक माचिस। गुप सन्नाटा है दूर दूर तक, एक भी लाइट कुछ भी नहीं है और बिल्कुल शांति, मतलब वो वाली शांति होती है ना झिंगुर की आवाज जिसमें आए वो हो रखा है। खैर हम लोग थक भी बहुत गए हैं तो जल्दी सोने का प्लान था भी, तो अभी आज के लिए यही एंड करते हैं और कल मिलेंगे नए ब्लॉग में और लेके चलेंगे आपको यूथांग में भी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।